शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष माँ योगेश्वरी के भाग 4 की फिल्म यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे आप फिल्म योगेश्वरी, तोमर राजवंश की कुलदेवी माँ योगेश्वरी, योग माया, महामाया, योग माता, योग निद्रा, इनके 3 पार्ट फिल्मों के विश्व स्तर पर प्रसारित किए जा चुके हैं और आप देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा स्थापित हर सिद्धि मंदिर का संपूर्ण वीडियो दिखाया था। उसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 ये फिल्म में जा चुके हैं। आज हम आपके समक्ष इस फिल्म योगेश्वरी के भाग 4 यानी पार्ट 4 को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका समूचे विश्व स्तर पर प्रसारण भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कुलदेवी, संपूर्ण भारत की कुलदेवी माँ योग माया, योग माता, माँ योगेश्वरी, माँ योग निद्रा, जो भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और इंद्र की बहन है, तथा महाभारत के मैदान में जिन्होंने पांडवों को विजय दिलाई, वे हमारी कुलदेवी हैं। अपनी कुलदेवी को हम चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हें दंडवत नमन करते हुए आज यहाँ उसके भाग 4 का प्रस्तुत कर रहे हैं। इस फिल्म का भाग 4 मैं माँ कुलदेवी के, योगेश्वरी के, चिल्लासन के, माँ चिलाय माता के, अभी आप पीछे स्तोत्र आदि वगैरह सब सुन चुके हैं जो भी ग्रंथों में वर्णित हैं। आप अर्जुन की स्तुति भी सुन चुके हैं, जो अर्जुन ने महाभारत के मैदान में देवी की स्तुति की भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर। जनमेजय को जो स्तोत्र सुनाया गया वैशंपायन जी द्वारा, वह स्तोत्र भी आप सुन चुके हैं। और अब आज हम वहां यहां पर माँ योगेश्वरी के दूसरे रूप माँ महाकाली, जो कि अर्जुन ने भी अपने स्तुति में उच्चारण किए नाम उनके, और जनमेजय के स्तोत्र में भी वो नाम आए हैं। माँ महाकाली भी यही है, यही योगेश्वरी, इन्हीं को ही महाकाली कहा जाता है, इन्हीं को काली कहा जाता है, भद्रकाली, शमशान काली और दक्षिण काली। तो जो काली कुल है वो भी योगेश्वरी का ही एक स्वरूप है। श्री कुल है वह भी माँ योगेश्वरी का एक ही स्वरूप है। तो आज हम यहाँ जो इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं भाग 4, तो हम पहले काली कुल का उच्चारण करेंगे, माँ योगेश्वरी का जो काली कुल है। तो काली कुल की अर्चना उपासना उस संबंध में
विवरण यहाँ देंगे। तो आज माँ महाकाली का कवच स्तोत्र और इसके साथ ही 10 महाविद्या का स्तोत्र उसको भी प्रस्तुत करेंगे। और स्थान शेष रहा तो इसी फिल्म में मातंगी स्तोत्र के अलावा अन्य महाविद्याओं के भी इनके स्तोत्र, क्योंकि ये सभी जो 10 महाविद्याएं हैं वो यही योगेश्वरी के ही स्वरूप हैं, जिसमें प्रथम महाविद्या माँ महाकाली हैं, महाकाली के ही सारे अंग हैं। तो स्थान बचेगा तो अन्य के भी स्तोत्र स्तुति यहाँ देंगे, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर हम माँ महाकाली का कवच वहां से शुरू करेंगे। और इसमें आगे स्थान शेष रहा तो माँ की खड़गमाला भी यहाँ पर उच्चारण की जाएगी, माँ योगेश्वरी की। तो पहले योगेश्वरी का यानी महाकाली का कवच, फिर योगेश्वरी की स्तोत्र आदि, और उसके अलावा स्थान बचा तो फिर पहले खड़गमाला लेंगे हम योगेश्वरी माँ माँ महाकाली की उसके, और नहीं तो उसके स्थान पर 10 महाविद्या स्तोत्र, और फिर बचा स्थान तो मातंगी स्तोत्र और अन्य महाविद्याओं के स्तोत्र वगैरह इत्यादि लेंगे, स्तुति लेंगे। अन्यथा अपनी अगली फिल्म में यानी योगेश्वरी भाग 5 में शेष चीजों को प्रस्तुत करेंगे। तो पहले हम बता दें साधकों को, कैसा भी काला जादू हो, कैसा भी दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विकराल काला जादू हो, तंत्र हो, मंत्र हो, मूठ हो, दीठ हो, चौकी हो, काली से बड़ा कोई नहीं, काली से बड़ी काली शक्ति कोई नहीं, काली से बड़ा काला जादू कोई नहीं, काली से बड़ा काला तंत्र कोई नहीं है। माँ महाकाली, जिनके पति महाकाल और जिनके पुत्र हैं भैरव, ये वो 3 शक्तियां हैं, इनसे बड़ा इनसे ऊपर कोई नहीं है। और जब ये महाकाली कवच का उच्चारण किया जाता है या जहां भी ये सुना जाएगा, तो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा काला जादू नहीं, कोई काला तंत्र नहीं, कोई काला मंत्र नहीं जो एक विस्फोटक की तरह उड़ जाए, भस्म हो जाए या पलट कर करने वाले को ही उड़ा दे। इसमें बस सावधानी की जो बात है वो ये है कि भाई अगर किसी ने किया हो तो इसका प्रयोग किया जाए, और नहीं किया है तो फालतू में किसी को नुकसान, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत तगड़ा पहुंचाता है। इस ये क्या है कि इसको आप सेकंड लास्ट, खतरनाक विद्याओं में सेकंड लास्ट भी मान सकते हैं या सेकंड थर्ड मान सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ और विद्याएं हैं जिनके उच्चारण क्रमशः इस योगेश्वरी फिल्म में कभी आगे आएंगे। लेकिन जो काली कवच है ना, इसको आप सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड, वो थर्ड लास्ट मान सकते हैं। तो लेकिन इतनी खतरनाक है कि ये अगर आप इसका प्रयोग किसी पर कर देंगे या किसी ने आप पे प्रयोग किया होगा ना, तो फिर उसका तो ये तो भस्मीभूत कर देती है, ये सर्वनाश, ये सिर्फ सर्वनाश लिखती है। या तो आपकी रक्षा में, या फिर जो है आप अगर इसका प्रयोग विधान करते हैं तो फिर सामने वाले को ये इसी से ही सबसे भयंकर, विश्व का जो सबसे बड़ा काला जादू दीठ मूठ और चौकी होती है वो इसी मंत्र से लोग भरते हैं अक्सर, और इसी मंत्र से काटते हैं, क्योंकि काटने के लिए भी यही है और करने के लिए भी यही है, लेकिन काटने के लिए इसका उपयोग इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और होना भी चाहिए। रक्षा का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च उपाय है।
दूसरे फिर और आगे इससे ऊपर के उपाय हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। तो हम यहाँ पर जो है इस भाग में शुरुआत जो कर रहे हैं माँ योगेश्वरी के, माँ महाकाली के कवच से कर रहे हैं। तो यह फिल्म प्रस्तुत है भाग 4, और कवच से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आप बेफिक्र रहिए, विश्व का सबसे खतरनाक जो भी काला जादू, तंत्र हो मंत्र हो, मारण हो मूठ हो चौकी हो, विद्वेषण हो उच्चाटन हो, सम्मोहन हो मोहन हो, कोई सी भी क्रिया की गई हो, ये उसको ध्वस्त कर देगी। इसका बाकायदा एक विधि प्रावधान है, सब है। और काली की जो पूजा की जाती है, दूसरों की पूजा, पंचोपचार भी चल जाती है, दशोपचार और षोडशोपचार भी चल जाती है, लेकिन काली की जो पूजा का जो विधान है, या योगेश्वरी की जो पूजा का विधान है, ये 64 उपचारों से है, यानी 64 उपचार पूजा की जाती है इसमें। तो दूसरा जो है इसमें और भी 24 पूरी मुद्राएं दिखान प्रदर्शन निभा, तो इसके विधान और प्रावधान बहुत विस्तृत है, लंबे चौड़े हैं। तो जिसको काली की सिद्धि हो, जो महाकाली को सिद्ध कर चुका हो, महाकाली की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे मनुष्य का सहारा ले लें आप, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और काली को सिद्ध किए हुए व्यक्ति, माँ महाकाली को जो सिद्धि प्राप्त होगा, उसके सहारे आप इन मंत्रों का उपयोग करवाएंगे, तो कामयाबी आपकी करीबन 1 करोड़ 10 करोड़ गुना ज्यादा और तीव्रता के साथ और प्रचंड वेग के साथ, क्योंकि ये ब्रह्मांड की बहुत प्रचंड तीव्र शक्ति है, जो कि तुरंत असर करती है और बहुत खतरनाक असर करती है, रक्षा में भी और दूसरे को निपटाने मारण या वहां तक। लेकिन इसमें एक शर्त रहती है, तंत्र में हमेशा आप ध्यान रखनी है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः और प्रकाशात सिद्ध्यान स्याद अवश्यम मरणम भवेत। तो कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि यहाँ पर हम विधि प्रावधान और विधान का उल्लेख यहाँ इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ मंत्र उच्चारण करेंगे। और विधि विधान का प्रयोग आप जो काली के सिद्ध हो वहां पर, जो जिसने उन्हें माँ काली को सिद्ध कर रखा हो, वे स्वयं इस पूरी विद्या को जानते होंगे और वे स्वयं उसके अनुसार उसका उपयोग करेंगे। और जहां तक हमसे सहारा लेने का, मेरे पास में रोजाना फोन आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं या ईमेल वगैरह, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी परामर्श शुल्क 5,000 रुपया है, उसको जमा करे बगैर मेरे लिए एक भी फोन न लगाए, मुझे एक भी व्हाट्सएप न करें, मुझे एक भी संदेश, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा रहता है। और करीबन प्रतिदिन 1,500-2,000 फोन करीबन आते हैं, तो उतना संभव नहीं है मेरे लिए। तो जो भी 5,000 रुपया जो परामर्श का शुल्क है उसको जमा करा देगा, उसको एक टोकन नंबर हमारी कंपनी की ओर से, संस्था की ओर से इशू कर दिया जाता है, उस टोकन में टाइम दे दिया जाता है कब बात करनी है, किस समय करनी है, किस दिन करनी है, तदनुसार उतने समय के लिए बातचीत के लिए या परामर्श के लिए हम उपलब्ध हो जाते हैं। अन्यथा हमें फोन लगाएं ना और ना परेशान करें, वरना यही जो मंत्र जो जाते हैं ये आपके लिए भयावह साबित हो सकते हैं और आप पर उल्टा असर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तंग करना, सीधा समझिए, हमारी योगेश्वरी को, हमारी कुलदेवी को तंग करना है, हमारे इष्ट देव हैं उनको तंग करना है, इष्ट देवी हैं चिल्लासन चिल्लाय माता उनको तंग करना है, हमारे इष्ट देव हैं गोपाल जी हैं भगवान शंकर हैं इनको तंग करना है, तो वो जो नुकसान हो उसका दंड आप भुगतें, आपका जो भी नाश हो, सर्वनाश हो या विनाश हो, वो आप जाने। लेकिन मैंने सावधान कर दिया है, बस जो मुझे कहना था कह दिया है। अब आप आगे देखिए फिल्म योगेश्वरी और सुनिए उच्चारण। अब जो जो संभव है इस भाग में वो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं,
और शेष अगले पांचवें भाग में, छठे भाग में और सातवें भाग वगैरह में आएगा, तो उसमें हम आपको बहुत सी गुप्त चीजें कुछ बताएंगे। और तंत्र मंत्र से जो लोग परेशान हैं और जिनके घर में जिनको लगता है कि कुछ किया गया है या और कुछ बात है, उनके सबके उपाय उसमें आएंगे। और स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, 64 योगिनियां हैं, ये जो स्त्रियां हैं वही योगिनियां होती हैं, वही भैरवियां होती हैं, वही यक्षणियां होती हैं, उन्हीं में से ही देवियां होती हैं, यानी स्त्री के ही कई स्वरूप होते हैं। अब कौन के स्वरूप में है, तो जब उनके वर्णन आएंगे इसी फिल्म में आगे, तो आप स्वयं अंदाज लगा लें और स्वयं समझ लें कि आप क्या हैं, या आपके घर वाले लोग समझ लें कि आप किस स्वरूप में हैं, तो आप अपने स्वरूप को ठीक करें, तो आप किस योगिनी के स्वरूप में, किस भैरवी के स्वरूप में हैं, या किस यक्षिणी के स्वरूप में हैं, या किस अप्सरा के स्वरूप में, जो भी है जैसा भी है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर इस फिल्म में आगे आएगा। तदनुसार स्वयं को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें। जय माँ योगेश्वरी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो अब प्रस्तुत है इस फिल्म योगेश्वरी का भाग 4। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, पांडव अर्जुन का वंशज, महाभारत योद्धा अर्जुन का वंशज और इस संपूर्ण भूधरा के एकमात्र स्वामी, महाभारत के अंतिम सम्राट लिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी का यह स्वर और उच्चारण है। तो उनके स्वर और उच्चारण को जो इस फिल्म में जा रहा है, मेरा स्वर, मैं अर्जुन का वंशज, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि माँ की सेवा में, माँ के चरणों में दंडवत होते हुए मेरा यह उच्चारण संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भूधरा पर मेरे स्वर में गूंज रहा है। जय माँ योगेश्वरी, जय माँ चिल्लासन देवी, जय माँ चिल्लाय माता, जय भवानी, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम शमशान काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा। अब यहां हम काली कवच का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, मां काली के इस कवच का यहां उच्चारण कर रहा हूं। यह मां मां काली का कवच। ओम जय श्री मां मां काली, जय महाकाली, ओम जय श्री महाकाली। कैलाश शिखरारूढ़ शंकरं वरद शिवं प्रणम्य पार्वती देवी परिप्रच्छिति सादरं। श्री पार्वती उवाच, भगवन् देव देवेश देवानां भोगद प्रभो
ब्रभुहि मे महादेव गोप्यम यद्यपि च प्रभु शत्रुणाम येन नाश्या दात्मनोरक्षणं भवेत् परमैश्वर्यम् अतुलं लभेत येन तद्वदा। श्री भैरव वाच। तो भैरव जी ने यहां पर जो कहा अब आप उसे सुनिए। वक्ष्यामि ते महादेवि सर्वधर्म वेदांबरे अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम विशेषतः शत्रु नाशकरम रक्षाकरम नरणाम। सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमुत्तममम शत्रु संग शयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता दुखिनो ज्वरिणि चैव स्वामीष्ट प्रतता इस्तथा। वक्ष्यामि ते महादेवि सर्वधर्म वेदांबरे अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम विशेषतः शत्रु नाशकरम रक्षाकरम नृणाम सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमुत्तममम शत्रु संग क्षयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िताः दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता स्थिता। दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता स्थिता। अस्य श्री श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। आश्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद्र श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। अब ध्यान करते हैं मां महाकाली का ध्यान मंत्र। ध्यायेत् कालीं महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लोलजिह्वां पूर्णचन्दनिभाननां चतुर्भुजां लोलजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पल दल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणी नरमुंड तथा खंगम अभयम वरदम तथा नरमुंडम तथा खंगम अभयम वरदम तथा विभ्राणाम रक्त नयानाम दंष्ट्राम निर्घोर रूपिणी अट्टाटहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम अट्टाट्टहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थिताम देवीं मुंडमाला विभूषिताम शवासन स्थिताम देवीं मुंडमाला विभूषिताम। अब इस स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूं इस कवच स्तोत्र का। कालिका घोर रूपाढ्या सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हें हेरीम ह्रीम स्वरूपिणी चैव हिराम राम ह्रूम स्वरूपिणी तथा हिरीम राम छौं छौं स्वरूपां सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देव भाव बंद विमोचिनी हास कल
ह्रीं स्वरूपासु रिपुंसा हन्तु सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंह का कौमारेन्द्री च चामुंडा पाद चैव मम द्विष सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंडमाला धृतांग घृतांगी च सर्वत पात माम सदा कालिका घोर रूपाड्या सर्वकाम प्रदाशवा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हें हिरीम हिरीम स्वरूपिणी चैव राम राम रोम स्वरूपिणी तथा हिरीम राम छौम छौम स्वरूपा सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे हिरीम ह्रीम ऐम रूपिणी देव भव बंद विमोचिनी हासा काला हिरीम स्वरूपा सो रिपुंसा हंतु सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंह का कौमारेन्द्री च चामुंडा पात च मम दिश्व सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंडमाला गर्तांगी च सर्वतः पात माम सदा कालिके कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिये रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्थाने मम सर्व शत्रु मम सर्व विरोधी मम सर्व शत्रुन मम सर्व विरोधी खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे बिंद बिंद छिंद छिंद उच्चाटे उच्चाटे द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा हेरी मिरीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिये रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावर्ते स्थाने मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे बिंद बिंद छिंद छिंद उच्चाटे उच्चाटे द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रुम समर्पयामि स्वाहा ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मुहय मुहय हर हर मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुम ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मुहय मुहय ज्ञात धानन चामुंडे सर्वजनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य गुरु गुरु तन तन धान्यम धन्न श्वान गजान नानक दिव्य कामिनी पुत्रान पौत्रान राजश्रीयम देहि दे यच्छ यच्छ रक्षक्ष ओम
श्याम शीम शुम शैम शोम स्वाहा, ह्रीम ह्रीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्थाने मम सर्वविदो विरोधीन सर्व शत्रु खादय खादय हिंसा हिंसा मारय मारय भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न उच्चाटय उच्चाटय द्राव द्राव शोषय शोषय स्वाहा, वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रु ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मोहय मोहय यात धारण चामुंडे सर्व जनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन्नम अश्वान गजान रत्नान दिव्य कामनी पुत्रान पौत्रान राजश्रियम देहि देहि यच यच रच। ओम श्याम शीम छुम शैम छोम छ स्वाहा। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम नश्यन्ति शत्रवा बैरिणाम प्रलयम यान्ति व्याधितस्य भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रवा तस्य सर्वदा सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम् शमशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्टवाच लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसाम स्थता हस्तम दत्त्वा घाये कवचन्तु स्वयं पठेत् शत्रु प्राण प्रतिष्ठान्त कुर्यान् मंत्रेण मंत्रवित हृदयास्त्र प्रहारेण शत्रु गच्छेतयमक्षयम् ज्वलितांगारतापेञ्ज्वरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादे दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरम् प्रोक्तम् कवचम् वश्यकारकम् परमेश्वर्यदम् च पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् प्रभात समये च पूजा काले विशेषत सायंकाले तथा पाठा सर्व सिद्ध भवेत् ध्रुवम् शत्रुरुच्चाटनम् यात देशांच विचितो भवेत् पश्चात् किंकृतामेत सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देवि सर्व संपत् करे शुभम् सर्वदेव स्तुते देव कालिके त्वाम् नताम्यहम्। इत्येत कवचम् दिव्यम् कथितम् शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम् नश्यन्ति शत्रवः बैरिणा प्रलयम् यान्ति व्याधितस्य भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रवः तस्य सर्वदा सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषिताम् शमशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्टवाच लिखिल्लोहशलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसां तथा हस्तम दत्त्वा घाये कवचन्तु स्वयं पठेत् शत्रु प्राण प्रतिष्ठान्तु कुर्यान् मंत्रेण मंत्रवित हृदया हन्यादस्त्र प्रहाणेर शत्रुर्गच्छेत् यमक्षयम् ज्वलितांगारतापेञ्ज्वरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरम् प्रोक्तम् कवचम् वश्यकारकम् परमेश्वर्यदम् चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् प्रभात समये च पूजा काले विशेषत सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्ध भवेत् ध्रुवम् शत्रुरुच्चाटनम् ज्ञात देशाच्च विच्युतो भवेत् पश्चात् किंकर्तामेद सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देवि सर्व संपत् करे शुभे सर्वदेव स्तुते देव कालिके त्वाम् नताम्य अहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मां महाकाली का कवच था।
ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आज हम यहां महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण यहां कर रहा हूं। जय महाकाली, जय महाकाली। क्रीम 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 म्रीम म्रीम ओम ओम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीं म्रीं ओं ओं स्वाहा। तो यहां हम सर्वप्रथम महाविद्या कवच का उच्चारण करेंगे। ये महाविद्या कवच है। श्रुणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्ट फलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवि सदाशिव इति ऋतः छन्दो अनुष्टुव देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थकाम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधिनी अहंकारः पात शीर्षे माम काम बीजम तथा हृदय रमा बीजम सदा पातु नावो गुह्ये च पादयु ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठदेशत